बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार पर आई बड़ी मुसीबत, पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी पैडमैन। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पीएमएस मीडिया के साथ। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पैडमैन पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई है। 9 फरवरी को देश दुनिया में रिलीज हुई पैडमैन बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई कर रही है। पीएमएस मीडिया ने अपनी एक वीडियो के जरिए पैडमैन के धमाकेदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बताया था। पीरियड्स यानी महावारी जैसे विषय पर बनी इस फिल्म को काफी सराहना मिल रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने पैडमैन को बैन कर दिया है। पाकिस्तान के फेडरल सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के रिलीज को मंजूरी देने से इनकार करते हुए पैडमैन पर पाबंदी लगा दी है। सोशल इशू पर बनी फिल्म पैडमैन को लेकर बोर्ड के सदस्य इशाक अहमद ने कहा है, हम वैसी फिल्में आयात करने की इजाज़त नहीं दे सकते जो हमारी परंपरा एवं संस्कृति के खिलाफ है। साथ ही एक सदस्य ने कहा है, अपने सिनेमा में हम वर्जित विषयों पर फिल्मों की स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि यह हमारी संस्कृति, समाज, यहाँ तक कि धर्म में भी नहीं है। साल 2018 में जहां हर देश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, वहां ऐसे बयानों का सामने आना बेहद हैरान करने वाला है। बोर्ड ने पीरियड्स के विषय को समाज, संस्कृति, यहां तक के धर्म तक में नहीं रखा है। दरअसल इस विषय का किसी समाज, धर्म से कोई ताल्लुक है ही नहीं। पीरियड्स महिलाओं से जुड़ा एक बेहद नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें कोई शर्मिंदगी की बात है ही नहीं। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड के इस फैसले पर पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार ने ट्विटर के थ्रू नाराजगी जताई है। मेहर ने लिखा है, पाकिस्तान में पैडमैन को बैन करना पाकिस्तानी सिनेमा के व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाला है। पीरियड जिंदगी का एक फैक्ट है और इस फिल्म से लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है। यह काम ना तो अनैतिक है और ना ही गैर इस्लामिक। इसी के साथ पाकिस्तानी पत्रकार अमारा अहमद ने भी ट्वीट किया है। अमारा ने लिखा है, जी हाँ, पाकिस्तानी महिलाओं को भी पीरियड्स होते हैं। मैं पैडमैन को सपोर्ट करती हूँ। फिल्म को बैन करना निराधार है। जल्द ही इस फिल्म को रिलीज किया जाए। फिल्म के बैन होने के बाद लोगों के काफी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा क्या पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड अपना फैसला बदलती है या फिर पैडमैन पाकिस्तान में बैन रहेगी। पीएमएस मीडिया में फिलहाल इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।